क्या आ रहा है? सी एन डी है ना, सी आ रहा है, एन डी हो सकता है, यही है। हाँ यही है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो -7 एम स्क्वायर प्लस 2 मॉड के एम प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आ जाएगा ना। अब ये कह रहा है सम ऑफ द स्लोप, तो फर्स्ट m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, दैट इज -b/a, -b/a मतलब 2 मॉड k/7 आ जाएगा। और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 m2 c/a आता है, तो -4/7 आ जाएगा। और ये बोला जा रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो आई थिंक ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, बस इस यहाँ पे कुछ और था, चेंज हो गया है, क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई नहीं। 2 mod of k/7 इज इक्वल टू -4/7, तो यहाँ पे मॉड के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। बच्चा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ सर नहीं लग रहा है इसमें हाँ सर, मॉड सर? के मॉड के नेगेटिव आ रहा माइनस है, टू आ रहा, हाँ ये मॉड के माइनस टू आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम करते हैं, इसमें इसका ऑप्शन एक नन ऑफ दीज बना देते हैं इंस्टेड की, आप है ना, लेट से एक बना देते हैं यहाँ पे ऑप्शन, क्वेश्चन गड़बड़ है ये, ठीक है, नन ऑफ दीज। हाँ सर, तो फिर नन ऑफ दीज ही आएगा। हाँ तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड के इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो के बिलोंग्स टू 5, कुछ भी नहीं आ जाएगा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, समझ है? ऐसा सिचुएशन, कोई डाउट इसमें एज सच, है ना। अच्छा इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं सब, थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं, जितना था ये चैप्टर फिनिश हो गया बाय द वे, और हमने सफिशियंट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो दैट कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन लिखो फिर से, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन -2x² प्लस xy प्लस y² -5x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइंस इज, ए ऑप्शन लिखो -2, बी ऑप्शन लिखो 2, सी ऑप्शन लिखो 0 एंड डी ऑप्शन लिखो नन ऑफ दीज। आंसर करो। है ना, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखो ये रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तब होगा जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी, एंड दूसरी कंडीशन होती थी सेकेंड वन, h² - ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो सेकेंड कंडीशन तो फुलफिल हो रही, देखो h है 1/2, ½² - करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये सेकेंड फुलफिल हो रही है, तो मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन को भी फुलफिल कराना है। डेल्टा इक्वल टू 0 इम्प्लाई डेल्टा क्या होगा,
देखो ए बी सी, ए इज माइनस टू, अच्छा बी कितना है वन, और सी सी कांस्टेंट के है ना, डी ई भूल जाओ, एफ एफ मतलब वाई का कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज 1/2, एफ जी मतलब माइनस 5/2, एच एच मतलब 1/2, और ये 1/2 माइनस 5/2 1/2 इज इक्वल टू जीरो कर देना है, और के निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ इस बार ना, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूँ जिसमें के है, तो प्लस माइनस प्लस वाला है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5/2 टाइम्स ये मल्टी 1/4 और प्लस 5/4 5/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 टाइम्स इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वन, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 5/4 एंड प्लस के टाइम्स ये कितना हो गया माइनस टू एंड माइनस 1/4 आ गया, माइनस टू माइनस 1/4 इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये मिलेगा जो है, देखो 10/4 प्लस 1 11/4 और माइनस 55/8 आ गया, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 1/4 बचेगा, 1/4 वो भी पॉजिटिव, ये माइनस 1/8, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 1 = 9 −9/4 के इज इक्वल टू ज़ीरो, देखो −9/4 के आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे माइनस हटा देते हैं, बहुत सारा माइनस हो गया, 50 और 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा 56 प्लस 18 के इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा है ना। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा −56/18, जिसको हम लिख सकते हैं −28/9, यही आ रहा है क्या, ये आ जाएगा k का वैल्यू। अच्छा इसमें ऑप्शन तो नहीं है बट k इतना ही आ रहा है, तो नन ऑफ दीज आएगा ना। हाँ तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कितना आया था बस ये बताओ, के इतना ही आ रहा था क्या, के इतना ही मिला क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लाइंस six x square minus alpha xy minus 3y square minus 24x plus 3y plus beta equal to 0 intersect on x-axis, then alpha is equal to आपको बताना है, A option है 24, B option है 18, C option है −18 एंड डी ऑप्शन है −7। आंसर करो इट, अल्फा का वैल्यू 3/2 आ रहे हैं ना।
हाँ इन लोगों ने ऑप्शन में गड़बड़ कर रखा होगा, इसमें जो आंसर दे रहा है वो डी दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको हटा देते हैं, ऑप्शन एरर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो कितना आंसर है बताओ, कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है सर। 3/2, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं कैसे, कितना आ रहा है सब समझ में आ जाएगा। देखो ये पेयर ऑफ लाइन दिस इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपने डेल एस बाई डेल एक्स निकाला है ना, कितना आ जाएगा ये 12x माइनस अल्फा वाई और माइनस 24 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा है डेल एस बाई डेल वाई, तो डेल एस अपॉन डेल वाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ऐसा हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो y एक्सेस पे है, सॉरी x एक्सेस पे है, लेट्स से दिस इज x एक्सेस। अच्छा x एक्सेस पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो y कोऑर्डिनेट जीरो कर देते हैं दोनों दोनों में, तो y जीरो रखेंगे तो ये 12x इज इक्वल टू 24, मतलब x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये पॉइंट पता क्या हो गया 2,0, और 2,0 विल सेटिस्फाई अनदर इक्वेशन एज वेल, तो इसको भी सेटिस्फाई करा देते हैं माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है 3/2। हाँ बच्चा सही कह रहे हैं, यही आ रहा है, ये आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और मेथड है, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन हैव मेथड नंबर 2, नोट डाउन दिस मेथड नंबर 2 क्या है, ये देखो कि जैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस, तो इस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा लेट से ये ए एक्स 1,0 और ये बी पॉइंट हो जाएगा एक्स 2,0, तो ये जो इक्वेशन थी अपने पास इसको उठा लेते हैं, लेट्स यहाँ से यहाँ तक ग्रैब कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है, तो अब देखो यहाँ ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो y यदि मैं जीरो रख दूं, y इक्वल टू जीरो रखूं, तो y जीरो रखने पे कितना आ जाएगा 6x² माइनस 24x प्लस बीटा। अच्छा इसमें बीटा है, फिर हम लोगों ने ओके, फिर तो अल्फा गायब हो रहा है इसमें, अल्फा गायब हो रहा है ओके, क्योंकि वाई जीरो रखना है 6x² माइनस 24x प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, ओके इक्वल टू जीरो। यदि x एक्सिस ऐसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए था, d ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि इन लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो खुद x एक्सिस है, x एक्सिस पे हो रहे हैं, तो दिस इज x एक्सिस ना, x एक्सिस, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे ये दो x में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसका मतलब इसके दो रिपीटेड रूट आने चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, दो अलग अलग पॉइंट नहीं मिल रहा है, एक्स वन एक्स टू नहीं मिल रहा है, तो इसका d कैसा होना चाहिए, d इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब 24b² माइनस 4a 6 इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बीटा का वैल्यू 24 होना चाहिए, बीटा 24 आ गया है ना, लेकिन इससे अल्फा नहीं मिला, हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए था अल्फा है ना, अल्फा 3/2, बीटा आ गया। हाँ इनको अल्फा नहीं पूछना चाहिए था, बीटा पूछता तो ये ए ऑप्शन हो जाता,
if the pair of straight line this intersect on x-axis then alpha is equal to okay तो फिर वो ऐसे ही निकलेगा बच्चा, इधर से तो मिल ही नहीं रहे। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि ये तो हमने ऐसे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हो, डेल्टा का कंडीशन और लगा सकते हैं डेल्टा, लेकिन फिर से ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये ए हो गया 6 और माइनस अल्फा बाय 2 क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे सी आ जाएगा, बीटा आपने निकाल ही लिया 24 ए बी सी, और यहाँ पे डी ई भूल जाओ एफ 3/2 और ये माइनस 12 और यहाँ पे माइनस अल्फा बाय 2। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये कितना आएगा यहाँ पे आएगा ए बी, ये माइनस 3 आ जाएगा और ये 24, तो माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 12 3/2 इज इक्वल टू 0। बच्चे लोग इसको सॉल्व करके बताओ और अल्फा की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। ये थोड़ा गंदी कैलकुलेशन है एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन आप ऐसे भी देख लो जल्दी से बताओ अल्फा कितना आ रहा है। सर अवनी बच्चा लोग बताओ, चलो देखो सॉल्व करके बताते हैं। ये कितना हो जाएगा, मैं इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर देता हूँ, 6 × 34 72 माइनस 9/4 और माइनस प्लस अल्फा बाई 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ये माइनस 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18 एंड माइनस 12 टाइम्स माइनस 12 टाइम्स कितना हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 3 अल्फा बाई 4 एंड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से ऐसा हो गया। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। अच्छा 72 into 4 ये बड़ा गंदा कैलकुलेशन लग रहा है। और ये माइनस भी है, इसका माइनस हटा दें क्या, माइनस हटाने से क्या होगा माइनस। अच्छा शॉर्टेस्ट वे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना मिला ये 6 × 6 = 12। हाँ सर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो कट हो जाएंगे ना, कट हो जाएगा, चलो देखते हैं। हाँ 72 × 6 ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ये दिख रहा है 3612 ना, वेरी गुड। माइनस कितना आ जाएगा ये देखो, ये 4 × −6 × 9/4 और माइनस ये देखो 6 α² और प्लस 9 α, यहाँ पे प्लस 9 α प्लस 12 × 36। कैलकुलेशन भले ही गंदी है, हाँ ये कट हो रहा है ऐसा, और ये आ रहा है माइनस 6 α² प्लस 18 α माइनस 6 × 9/4 इज इक्वल टू 0। 6 α² प्लस 18 माइनस, अभी देखो यहाँ से ये 6 भी गायब हो जाएगा, कट हो सकता है ना, देखो ध्यान से, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 α 6 डिवाइड कर दिया 3 α
माइनस 9/4 इक्वल टू जीरो, और ये 4α² माइनस 12α माइनस प्लस 9 इक्वल टू जीरो, 4α² माइनस 12α प्लस 9 इक्वल टू जीरो, और ये 36 हो जाएगा। इसके फैक्टर नचौक 36 है, 6 और 6, हमें लगता है ये 2α माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक दिस आउट, क्या ये सही है? इसका होल स्क्वायर मतलब अल्फा का वैल्यू 3/2 हो गया, ऐसे भी आ रहा है। सो यहाँ पे बहुत आसान सा मेथड था, और ये यहाँ पे ये आसान सा मेथड था, और यहाँ पे यदि हम दूसरा मेथड देखते हैं तो हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको प्रयोग करें। सो दिस वाज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये जितना भी थ्योरी पार्ट था जितना भी, वो सब तुमने करा दिया है। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मिले इससे रिलेटेड उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, एंड जितना प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है।